हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम जल्दबाजी में यूट्यूब पर अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं और वीडियो को अपलोड करने के बाद हमें याद आता है कि हमें इसमें से कुछ पार्ट ब्लर करना था और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कैसे इस पार्ट को ब्लर करूँ, कैसे इस वीडियो में एडिट करूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने के बाद उसके किसी भी पार्ट को कैसे ब्लर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे youtube.com खोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल यूजर हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में आपको क्रोम के अंदर जाना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इसकी स्क्रीन बड़ी है इसलिए इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको youtube.com खोलने के बाद अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे चैनल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको YT स्टूडियो, जो ये YouTube स्टूडियो है, इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो मैंने एक नेक्स्ट टैब में इसे ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आएंगे, डैशबोर्ड, कॉन्टेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स। तो आपको इसमें से कंटेंट वाले ऑप्शन पे आना है और आपकी जितनी भी वीडियो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और आप जिसमें भी जिस पार्ट को, जिस वीडियो के पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं उस वीडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं इसमें से एक वीडियो पे क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें कैसे ब्लर करना है ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, डिटेल, एनालिटिक, एडिटर, कमेंट, सबटाइटल्स, मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एडिटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड नंबर पे, इस एडिटर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी वीडियो आ गई। आप चाहें तो यहाँ पे इसे प्ले भी करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लर का एक ऑप्शन दिखाई देगा सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का जो आइकन है हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप फेस ब्लर करना चाहते हैं, मतलब आप फेस नहीं दिखाना चाहते, फेस को हाइड करना चाहते हैं, तो फेस ब्लर यहाँ से आप हो जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फेस ब्लर का ऑप्शन है और यहाँ पे कस्टम ब्लर का है। हमें तो वीडियो के किसी पार्ट को ब्लर करना है तो हम कस्टम ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लर का पोर्शन हमारे सामने आ गया। हम इसे पकड़ के मूव कर सकते हैं जहां पे भी हम ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम ब्लर में यहाँ पे आप टाइम डाल सकते हैं, जैसे ये 4 मिनट की मेरी वीडियो है तो मैं कितने से कितने टाइम पे ब्लर करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 2 मिनट के बाद मैं ब्लर करना चाहता हूँ, 2 मिनट से यहाँ पे हटा देता हूँ इसे, 2:30 तक यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड पोर्शन आ गया। तो मैं जब यहाँ पे अपनी वीडियो को प्ले करूंगा तो ये आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं जब आगे लेके आऊंगा तो ये यहाँ से ब्लर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर का पोर्शन आ गया। आप इसे चाहें तो पूरा बड़ा भी कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट हो और आप इसकी शेप भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, मैं इसे ओवल कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप चेंज हो गई। ट्रैक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, फिक्स ब्लर पोजीशन, आप इसकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये यहीं पे शो हो तो ये यहीं पे शो होगा, इसको हम यहाँ पे फिक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। और ट्रैक ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रैक ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट को ये ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा। या फिर आप रेक्टेंगल रखना चाहते हैं, ओवल रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और फिर इसको मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ पे आप लेके जाना चाहें। और टाइमिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं कि आपको कौन से पार्ट को किस टाइम पे ब्लर करना है। यहाँ से प्ले करके आप देख सकते हैं उस पार्ट को, ठीक है, और फिर उसे ब्लर कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है तो आप जिस पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं वो 2 मिनट के अंदर ही ब्लर हो जाएगा,
तो इस तरीके से आप अपने YouTube वीडियो को अपलोड करने के बाद उसके किसी भी पोर्शन को ब्लर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि किस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो के किसी भी पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, चाहे वो फेस हो या वीडियो में कोई भी पार्ट हो, उसको आप आसानी से अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करने के बाद ब्लर कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।